हेलो एवरीवन, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज कम्युनिकेशन। अगर हम इन कॉमन सेंस बात करें, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि बातचीत करना, और किस चीज की बातचीत करना कि हम अपने थॉट्स, अपने व्यूज, अपने जो भी हम उस चीज को सोचते हैं, हमारा ओपिनियन क्या करना, शेयर करना टू द अदर ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब क्या कम्युनिकेशन का, कि जब हमारे कुछ थॉट, कुछ व्यूज, कुछ ओपिनियंस हम दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें, जब दो ह्यूमन बीइंग साथ में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस किसी एक स्पेसिफिक मैटर में, वो क्या इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। क्योंकि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमें अच्छे वे में, इफिशियंट वे में अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब हम सोचेंगे, अपने ओपिनियन को शेयर करेंगे, तभी एक इनोवेटिव आइडिया निकल के आएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कम्युनिकेशन का बात करें, अगर टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल से कम्युनिकेट नहीं करेगी, तो उनको अच्छे अच्छे प्लान्स, अच्छे अच्छे व्यूज, ओपिनियंस ऑन अदर मैटर्स या अदर मैटर्स उनको नहीं मिल पाएंगे। और अगर हम बात करें लोअर लेवल कम्युनिकेट ना करें किससे, टॉप लेवल से, तो सबसे पहला क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलेगी। क्योंकि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो इतने फ्रैंक नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी शिकायतें किसको बोल सके, अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को बोल सके। दैट मीन्स कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट्स होंगे वो अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया ही नहीं कि वो फ्रीली कम्युनिकेट कर पाए विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि जब पर्सन अपने व्यूज, थॉट, ओपिनियन नहीं रखता है, दैट मीन्स कि उसके मन में ही क्या बातें अंदर ही अंदर चलती रहती है और वो माइंड में स्टोर हो जाती है, जिससे कि वो अपना किसी भी वर्क में 100% एफर्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि माइंड में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है। तो किसी भी चीज के सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन देयर विल बी अ नो रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें हमारे घर के, अगर हमारे घर में हमारे मम्मी, पापा, सिस्टर, ब्रदर्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो हमारा रिलेशनशिप कैसे अच्छा होगा। तो इसीलिए हम ये इसको ऑर्गेनाइजेशन में भी बोलेंगे कि जब तक जो हमारे वर्क फोर्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, जो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो रिजल्ट है वो हमें एक अच्छा देखने को मिलेगा। तो कम्युनिकेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स हम इसे बोल सकते हैं एक बेस है कम्युनिकेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। अगर हम अपने नोट से पढ़ें तो क्या बोलता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये कहां से आया, लैटिन वर्ड दैट इज कम्युनिस। कम्युनिस मतलब कॉमन, कि हम सबको लेके चलेंगे, सबके थॉट, सबके व्यूज को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेते हुए चलेंगे। द वर्ड कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन। क्या करना, एक पर्टिकुलर टॉपिक में हम अपनी वर्क फोर्स से आइडियाज मांगे, व्यूज मांगे, उनके ओपिनियन मांगे, और उनके जो व्यूज है अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं तो उनको इन फ्यूचर इम्प्लीमेंट करें। कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज स्टैब्लिश अ कॉमन ग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या, एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस क्या करते हैं, फील करते हैं कौन, हमारे सबॉर्डिनेट्स। क्योंकि वो सोचते हैं जब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट हमसे किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या मांग रहे हैं, हमारे थॉट्स मांग रहे हैं, हमारे ओपिनियन मांग रहे हैं, हमारे सजेशन मांग रहे हैं, दैट मीन्स कि वो हमें एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए 100% डेडिकेशन के साथ क्या करें, वर्क करें या एफर्ट डालें।
कम्युनिकेशन इज विटल, विटल मतलब कि इम्पोर्टेंट है टू ऑल मैनेजरल एक्शन, किसी भी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव तो नहीं, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन देयर विल बी नो रिजल्ट. अगर बातचीत ही नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे कि आपको ये काम करना है, आपके ये ऑर्डर सही है, लोअर लेवल को ये शिकायतें हो रही है. जब वो हमसे कम्युनिकेट करेंगे तो हाउ कैन वी फाइंड अ प्रॉब्लम इन दी ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिकेशन इज द आर्टरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच द डिसीजन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्लो डाउन टू द लोवेस्ट लेवल. ऑब्वियस ये बात है, कम्युनिकेशन के हेल्प से हम क्या करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डिसीजन, प्लान, पॉलिसीज को कम्युनिकेट पाते हैं टू द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. क्या बोल रहा है, सेम बात बोल रहा है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन बात पास करते हैं और एक दूसरे के बारे में उनकी राय बनाते हैं कि जब हम किसी से बात करेंगे, उसके ओपिनियन मिलेंगे, उसका व्यूज देखेंगे, उसका एटीट्यूड देखेंगे, दैट मीन्स कि उसका कैसा एटीट्यूड है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को लेके, तो हम जान पाएंगे कि एक्चुअली वो पर्सन है क्या. नेक्स्ट वन, एक ऑथर थे दैट इज डाल्टन एम्सी फॉलन, उन्होंने क्या बोला, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स. क्या है ये, एक पर्सन कम्युनिकेशन के थ्रू हम ह्यूमन बींग्स क्या कर पाते, इंट्रैक्ट कर पाते हैं, जिनसे उनको एक दूसरे के बारे में जानने को मिलता है. और स्पेसिफिकली अगर मैं और ज्यादा बोलूं, इट इज द प्रोसेस बाय विच मीनिंग्स आर परसीव एंड अंडरस्टैंडिंग आर रिच अमंग ह्यूमन बींग्स. परसीव्ड मतलब कि हम तो वो कह रहे हैं उनको समझ पाते हैं और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिठा पाते हैं एक दूसरे के बारे में. फिर नेक्स्ट ऑथर ने बोला हर्बर्ट ए साइमन, क्योंकि मैं इसलिए ऑथर्स की डेफिनेशन करा रही हूँ क्योंकि आपको ये डेफिनेशन आ जाएगी तो और एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि ये डेफिनेशन हमें कौन से ऑथर ने प्रोवाइड करी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको डेफिनेशन भी साथ के साथ करते हुए चलनी है. हर्बर्ट ए साइमन कंटेंस दैट कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच डिसीजनल प्रीमाइसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर. हमने पढ़ा था प्लानिंग में कि प्रीमाइसेस क्या होती है, एजम्पशंस होती है. जो भी हम एजम्पशंस लेते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, पर्सन जो मैनेजर्स लेते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड मतलब शेयर करते हैं एक मेंबर से दूसरे मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. इन द वर्ड्स ऑफ न्यूमैन एंड समर, उन्होंने क्या बोला कि एक हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सचेंज करते हैं, क्या बांटते हैं अपने फैक्ट्स, जो हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचते हैं, हमारे आइडियाज, हमारे ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन. जब हम यहाँ पे इमोशन की बात कर रहे हैं, जब पर्सन के बीच वो कम्युनिकेट करेंगे तभी तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे और जब कनेक्ट हो पाएंगे तभी तो एक रिलेशन बिल्डअप हो पाएगा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही होता है. फिर एक और ऑथर थे दैट इज लुइस ए एलन, उन्होंने बोला अ वेल नोन एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट डिफाइंस कम्युनिकेशन एज सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर. जब एक पर्सन हर वो कोशिश करता है, हर वो तरीके अपनाता है कि जो वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है किसको, अनदर पर्सन को, कि वो उसको क्या हो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. मीन्स कि वो जो भी मेथड अपनाता है वो भी चीजें करता है कि उसका जो व्यू है, जो ओपिनियन है दूसरे पर्सन को समझ में आ जाए. इस इज द ब्रिज ऑफ मीनिंग, ये क्या एक गैप होता है किसके बीच में, दो पर्सन के बीच में. इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग एंड लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. इसमें ये हमारे फैक्ट्स हम बताना, सुनना और अंडरस्टैंड करना, ये क्या एक सीक्वेंस प्रोसेस जो हमें पढ़ना है आगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस. सिंपली कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग वंस आइडियाज एंड ओपिनियन नोन टू अदर, कि एक व्यक्ति के थॉट्स, उसके विचार, उसके ओपिनियंस, उसके व्यूज, उसके सजेशन किसको ट्रांसफर करना दूसरे पर्सन को, कि वो उसके व्यूज को समझ पाए. अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन की हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जैसा कि मैंने बोला आपको,
कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजरल फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर अकम्प्लिश. क्योंकि हमने इसमें स्टाफिंग क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि स्टाफिंग में हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, हम उनसे कम्युनिकेट कोई रिलेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, बस हम वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन फोर्स को लेके आते हैं. विदाउट फॉर्मल सिस्टम, फॉर्मल सिस्टम वो होता है जहाँ पे एक फॉर्मल मेथड होता है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन किए जाते बनाए जाते हैं फॉर द कम्युनिकेशन. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जिस्ट. जहाँ पे एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एग्जिस्ट या लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सेकेंडली, कम्युनिकेशन इज एन एक्टिविटी टू विच द मैनेजर डिवोट्स ऑफ एन ओवरवेलमिंग प्रोपोर्शन ऑफ हिज प्रीसियस टाइम. कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे एक पर्सन, एक मैनेजर अपना कीमती टाइम डिवोट करता है टूवर्ड्स द कम्युनिकेशन, कि जब वो अपने व्यूज, अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने सजेशंस क्या दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, और उस लैंग्वेज में, उस कंटेंट में, कि जिससे सामने वाले पर्सन को जब वो परसीव करे, परसीव मतलब कि जब वो रिसीव करे वो उसको प्रॉपर समझ में आए. एक और ऑथर थे कीथ डेविस, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली. इन्होंने डेफिनेशन जो बताई वो साइंटिफिक चीज में कंपेयर करते हुए बताई. जस्ट अ मैन गेट्स आर्टिक्लोरिस, अ हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज विच इंपेयर हिज एबिलिटी. कि वो अपनी धमनियां जो बोलते हैं, हाथों की जो बॉडीज की जो नसें होती है हमारी, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या करता है, आर्टिक्लोरिस करके कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करता है. सो एन मे ऑर्गेनाइजेशन गेट इन्फॉर्मेशन क्लच, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मोस्ट वेटल इन्फॉर्मेशन को लेती है और कम्युनिकेट करती है, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज हो. कम्युनिकेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस विच आर गिवन बिलो. चार पॉइंट है अगर आ जाए आपको, कि राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको ये लिख के आनी है. इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन टाइज पीपल एंड स्ट्रक्चर टूगेदर. ऑब्वियस सी बात है, जब कम्युनिकेशन होगा टू पर्सन के बीच में, जब वो अपने थॉट्स, आइडियाज, व्यूज शेयर करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, तो उनका जो एक रिलेशनशिप है, एक बॉन्ड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या बनता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है. पर वो एक लिमिट तक ही हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है. कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन टू और मोर. तो क्या बोलते हैं, एक गैप होता है किसके बीच में, टू पर्सन के बीच में, या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में. क्योंकि ये हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपनी इंफॉर्मेशन, अपने थॉट्स, अपने सजेशन पास ऑन कर पाते हैं. टू और मोर पीपल हमने इसलिए बोला कि जब हम एक ऑडिटोरियम में बैठे रहते हैं और हमारा कोई लीडर है, हमें गाइड कर रहा है कितने नंबर्स ऑफ पीपल्स को, तो उसके अंदर भी कम्युनिकेशन है. वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, जो वो चीजों के बारे में सोचता है, वो क्या कर रहा है, वहां पे कम्युनिकेट कर रहा है. तो यहाँ पे इसलिए मोर पीपल बोला है, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए टू पर्सन का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है. नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज टू एक्ट इन इट. क्या करता है, ये अंडरस्टैंड करता है और एक्सेप्ट करता है जो दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है. नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ सब्सटेंस ऑफ गुड मैनेजमेंट. एक गुड मैनेजमेंट के पीछे, एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट में पीछे किसका हाथ है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हाथ है. कम्युनिकेशन इज अ नॉट अ सब्सटिट्यूट फॉर गुड कम्युनिकेशन. इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिकेशन के होने से ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होगा, नहीं. ये बोलता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, मतलब कि जो बातचीत होगी, जो कम्युनिकेशन कर हम कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, एक हद तक होनी चाहिए. पर अगर हम बोले यहाँ पे कम्युनिकेशन मतलब कि किसी भी चीज की बातचीत हो, उसका मतलब ये नहीं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, हमारा जो मैनेजमेंट है वो सक्सेसफुल होगा. कम्युनिकेशन हो पर कैसी हो, इफेक्टिव, तभी हमारा जो मैनेजमेंट है एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के रूप में आ पाएगा. अब हम पढ़ते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 3 से 4 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपके सीधा उठ के आता है. यहाँ से इंडिविजुअल पॉइंट से भी क्वेश्चंस आते हैं.
बेसिक एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर, अगर हम बात करें इन प्रोसेस की, तो सबसे पहला प्रोसेस आता है दैट इज कम्युनिकेटर और सेंडर। कि जब किसी पर्सन के माइंड में कोई थॉट आया, कोई व्यू आया, कोई ओपिनियन आया, कोई आइडिया आया, जब वो उसके दिमाग में आता है, तभी हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो सेंडर वो पर्सन होता है जिसके माइंड में क्या क्लिक करता है, कोई आइडिया, कोई व्यूज, कोई ओपिनियन, कोई सजेशन, जो वो क्या करना करता है, जो वो शेयर करना चाहता है टू द अदर पर्सन, जो वो दूसरे पर्सन को क्या करना चाहता है, शेयर करना चाहता है। और कम्युनिकेटर या सेंडर कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो नॉन मैनेजर हो, चाहे डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, चाहे पब्लिक हो, कोई भी, एनीवन कैन बी अ सेंडर। क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट विद द कम्युनिकेटर। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जब से हमारे सेंडर के माइंड में कोई थॉट, कोई व्यू, कोई ओपिनियन, कोई सजेशन आता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेटर कैन बी, कम्युनिकेटर क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दैट इज नॉन मैनेजर, मैनेजर, डिपार्टमेंट, द आउटसाइड पब्लिक, कस्टमर एक्सेट्रा। और आगे लिखा है, विदाउट कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा, कोई बातचीत ही नहीं हो रही, या थॉट्स हमारे व्यूज पास ऑन ही नहीं कर रहे, तो वहां पे हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा जो वर्क है वो सक्सेसफुली अकम्प्लिश हो पाएगा इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। द कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर के बाद, सेंडर के बाद क्या होता है, कोई मैसेज होता है, कोई आइडिया होता है, कोई व्यू होता है जो वो कम्युनिकेट करना चाहता है। नेक्स्ट वन इज इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब कि जो मेरे माइंड में थॉट आया है, व्यू आया है, सजेशन आया है, मैं उसको कैसे, किस तरीके से, किस तरीके इन द मंद सेंस कि किस लैंग्वेज में, किस तरीके से, किस मेथड से क्या कर सकती हूँ, पास ऑन कर सकती हूँ, जिससे कि जो मेरा रिसीवर है वो सही तरीके से उसको रिसीव्ड कर पाए, परसीव कर पाए। अगर मैं हिंदी में बोलूं, क्लियर में बोलूं कि इनकोडिंग मतलब होता है कि जो मेरे माइंड में थॉट आया है, ओपिनियन आया है, मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे भेजना है, उस लैंग्वेज में भेजना है, उस तरीके से भेजना है, जिससे कि जो रिसीवर है उसको उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में कोई भी डिफिकल्टी फेस करनी ना पड़े। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इनकोडिंग। इनकोडिंग किसके होती है, जो सेंडर करता है, ना कि रिसीवर। इनकोडिंग में इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का सिलेक्शन करना, जिससे कि मैं जो मेरा मैसेज है, जो मेरा थॉट है, जो मेरे सजेशन है, वो मैं क्या करूं, दे पाऊं। द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, बोल के, लिख के, कोई सिग्नल दे के, कोई इशारा करके, कोई फिजिकल कॉन्टैक्टिंग करके, दैट मीन्स कि कोई मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और मैंने हाथ मिलाया, दैट मीन्स कि मेरा जो जिस चीज के लिए मेरी अप्रूवल चाहिए थी, वो मैंने के लिए मेरी हाँ, हैंडशेक, हिटिंग एक्सेट्रा, इसके थ्रू हम इनकोडिंग कर सकते हैं कि हम कैसे करना चाहते हैं, कि जब हम ऐसे एक्सप्रेशन दे, दैट मीन्स कि जो हमारी डील है वो पक्की है। इनकोडिंग शुड बी डन इन सच अ वे, हमें ऐसे करना है दैट द रिसीवर में करेंटली अंडरस्टैंड द मैसेज कम्युनिकेटिंग टू हिम। तो आपको इनकोडिंग ऐसे करनी है कि जो हमारा रिसीवर है उसको क्या हो पाए, जो मैसेज है रिसीव्ड हो पाए इन अ करेक्ट मैनर। अब थर्ड वन इज मैसेज। कंफ्यूज मत होना, मैसेज बोलता है कि जो मेरा थॉट है कि मुझे ये बात किसको बतानी है, अपने पब्लिक या अपने किसी अदर पर्सन को, अपने लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कोई ओपिनियन बताना है, कोई व्यू बताना है, तो मैं उस व्यू को बताने के लिए कितना कंटेंट यूज करूं कि सामने वाला बंदा बोर भी ना होए, उसको क्या ऑन टाइम समझ भी आ जाए। ये कौन इंश्योर करता है, ये मैसेज इंश्योर करता है कि भाई कि मुझे कंटेंट कितना रखना है अपनी बातों को रखने का, अपने थॉट्स, अपने व्यूज को रखने का। क्योंकि जब हम, अगर मुझे कोई बात कहनी है किसी को, अगर मैं एक घंटे तक वो बात कहती रहूं लगातार, तो सामने वाला पर्सन क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा और वो मेरी बातों पे 100% अटेंशन नहीं दे
पाएगा. विदाउट दिस देर इज नो कम्युनिकेशन. मैसेज के बिना हम कम्युनिकेशन क्या सक्सेसफुल नहीं हो सकते. जब हम अपने कंटेंट ही नहीं बता पा रहे कि हम एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं, तो हम कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं तो हम अपनी बात को सही तरीके से कह पाएंगे. द मैसेज सेंड बाय द पर्सन शुड बी स्टेटेड इन क्लियर एंड अनएम्बिगुअस टर्म. मतलब कि जो मैसेज होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा होना चाहिए, और ऑन टाइम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. कि एक समरी होनी चाहिए अपने हमारे आइडियाज की, कि सामने वाला पर्सन ऑन टाइम छोटे टाइम में अपने हमारे थॉट को बिल्कुल अच्छे से समझ पाए. मैनेजर हैव सेवरल पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग. मैनेजर के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बहुत सारे पर्पस होते हैं कम्युनिकेट करने की. टू हैव अंडरस्टैंड देयर आइडिया, कि उसके आइडिया दूसरे लोग समझ सके. टू अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ अदर, कि वो दूसरे लोगों के आइडियाज को क्या करे, समझ सके. टू गेन एक्सेप्टेंस ऑफ देयर आइडियाज, कि वो अपने आइडियाज को क्या गेन कर सके. एंड फाइनली टू प्रोड्यूस एक्शन, और उससे एक फाइनल एक्शन परफॉर्म कर सके. अब हम बात करते हैं मीडियम. मीडियम मतलब कि हम कैसे अपने इंफॉर्मेशन को, अपने कंटेंट को पास ऑन करेंगे. बोल के, लिख के, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, ग्रुप मीटिंग्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, प्रोडक्शन शेड्यूल, मीन्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन जैसे हम बोलते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल. नॉन वर्बल में होता है कि जब हम अपने गेस्चर, अपने फेस के एक्सप्रेशन, अपने 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 हैंडशेक की वजह से क्या करते हैं, अपने मीडियम अपनाते हैं. पर अगर हम बात करें किसके फेस टू फेस, डेट इज वर्बल. वर्बल मतलब बोल के, लिख के, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना, किससे, डायरेक्ट पर्सन है जिसको हम अपने आइडियाज कम्युनिकेट करना चाहते हैं. द मीडियम इज सेड टू बी द कैरियर ऑफ मैसेज सेंड बाय अ पर्सन टू अनदर. द मीडियम मे बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीफोन, ग्रुप मीटिंग्स, कंप्यूटर्स, मेमोरेंडम्स. मेमोरेंडम्स ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो की जाती है, जैसे कंपनीज वगैरह. पॉलिसीज, स्टेटमेंट्स, प्रोडक्शन शेड्यूल्स, सेल फॉरकास्टिंग की इन फ्यूचर हमारी कितनी सेल हो सकती है उसका अंदाजा लगाना. और नॉन वर्बल मीडिया की अगर हम बात करें, डाटा इज फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेजेस, टोन ऑफ वॉइस, गेस्चरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपने फैक्ट्स डिलीवर्स करते हैं. थस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज मे बी डन ओरली, इन राइटिंग, और बाय गेस्चरिंग. तो हम तीन तरीकों से, लिख के, बोल के, और अपने आइडियाज अपने गेस्चर के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं. नेक्स्ट वन इज डिकोडिंग. ऊपर पढ़ा था हमने इनकोडिंग. इनकोडिंग किसके अंदर आता है, सेंडर के अंदर, जो सेंडर परफॉर्म करता है. पर जो ये डिकोडिंग है, डिकोडिंग कौन परफॉर्म करता है, रिसीवर, कि उसकी कितनी अच्छी कैपेबिलिटी है. जो सेंडर ने मैसेज दिया है, जिस वे में दिया है, वो उसको कितनी कैपेबिलिटीज कितनी अच्छे से समझ पाता है, इसको हम बोलेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज बाय द रिसीवर. कि उसकी क्या कैपेबिलिटीज है, क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, क्या परसेप्शन है फॉर द अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मैसेज. इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज लार्जली डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन, पास्ट एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ द रिसीवर. किस पर डिपेंड करता है, कि रिसीवर का क्या एटीट्यूड है सामने वाले पर्सन की बातों को समझने का. क्या पता उस पर्सन का हमेशा नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाता है, चाहे वो कितना भी सही तरीके से क्यों ना बोले. दैट मीन्स कि उसका जो समझने का तरीका है, डिकोडिंग सेंस है, वो क्या है, बहुत ज्यादा बेकार है. नेक्स्ट वन इज रिसीवर. ऑब्वियसली बात है, रिसीवर वो पर्सन होता है जिसको हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो कम्युनिकेटर, जो सेंडर है, अपनी बात पहुंचाना चाहता है. अ कम्युनिकेटर हैज टू कम्युनिकेट विद सम अदर पर्सन कॉल्ड रिसीवर. और उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर कहते हैं. While communicating, the person should carefully understand the receiver. अपने ideas को, अपने views को message में transform करने के लिए, encoding करने के लिए, sender को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा receiver है, उसके क्या decoding capabilities है, वो उसकी understanding power कितनी है, वो किस language में समझता है, उसको ये अच्छे से measure कर लेना चाहिए. The communicator should take into account the receiver, his decoding abilities, his understanding capacity being transmitted, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं.
इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज रिसीवर ओरिएंटेड। एक कम्युनिकेशन का सक्सेसफुल होना किस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा रिसीवर है कितना उसकी डिकोडिंग कैपेबिलिटीज है, नॉट मैसेज ओरिएंटेड। ये नहीं कि हमारा मैसेज कितना भी अच्छा हो, ये डिपेंड करता है किसकी कैपेबिलिटीज है, किसकी क्षमता पे, हमारे रिसीवर की क्षमता पे। द कम्युनिकेटर शुड सी दैट द रिसीवर रिसीव द मैसेज एक्यूरेटली एंड प्रॉपरली, कि सही तरीके से और सही मैसेज हमारा रिसीवर को रिसीव। इफ द रिसीवर इज अनेबल टू रिसीव द मैसेज, तो किसके में ये फॉल्ट आती है, किसकी गलती से होगा, ये कम्युनिकेटर या सेंडर की गलती से होगा, ना कि रिसीवर की गलती। हम ये मानेंगे कि जब हमारे रिसीवर को क्या बोलते हैं, हमारा आइडिया से वो नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसके बीच में किसका फॉल्ट लाई होता है, हमारे सेंडर का। द कम्युनिकेटर शुड सेंड द मैसेज इन दैट लैंग्वेज द रिसीवर अंडरस्टैंड, और कम्युनिकेटर को सेंडर को वही लैंग्वेज में मैसेज को सेंड करना पड़ेगा जिसमें हमारा रिसीवर समझता है। अगर वो तमिल में समझता है तो तमिल, अगर वो इंग्लिश में समझता है तो इंग्लिश, अगर वो हिंदी में समझता है तो हमें अपने मैसेज को हिंदी में ही फॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि हमारा रिसीवर सही तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट वन इज फीडबैक। अब डिपेंड करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस, हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का सक्सेसफुल होना किस पे, फीडबैक पे। फीडबैक मतलब किसका रिप्लाई, किसका रिसीवर का फॉर द सेंडर्स आइडियाज या व्यूज, कि जो सेंडर ने कम्युनिकेट करा रिसीवर उसको समझ के पढ़ के अपनी पास्ट एक्सपीरियंस में समझ के अपना एक रिप्लाई भेजना जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हो सके। तो क्या लिखा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड फीडबैक आल्सो। ऑब्वियस ही बात है किसी भी चीज का सक्सेसफुल होना किस पर डिपेंड करता है, फीडबैक पे। फीडबैक इज एन एसेंशियल टू सी दैट नो डिस्टॉर्शन बिटवीन द इंटेंडेड मैसेज एंड रिसीव मैसेज एग्जिस्ट, कि जो हमारा रिसीवर को जो हमने मैसेज ट्रांसफर किया है वो उसको सही तरीके से समझ आया और उसने हमें उस पर अप्रूवल दे दी है या हमें बता दिया है, हमें इन्फॉर्म कर दिया है कि उसको मैसेज मिल चुका है। नॉइस, नॉइस मतलब प्रोसेस के अंदर नहीं आता पर इसको इंक्लूड किया गया है क्योंकि नॉइस बोलता है कि एक मैसेज के सक्सेसफुल होने में या ना सक्सेसफुल होने में जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं हम उसको क्या बोलते हैं, नॉइस। टेंस जो ऑब्स्ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब एक बाधा, एक ऑब्स्टेकल होता है फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कहीं पे भी बिगड़ रहा है, सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, एक मैसेज में क्लैरिटी नहीं है, वो किसके बीच में, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस। और ये रिजल्ट हो सकता है पुअर नेटवर्क, इन अटेंशन ऑफ द रिसीवर, की जो हमारा रिसीवर वो अटेंशन नहीं दे रहा है, या साउंड की प्रॉब्लम की वजह से, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि ये जो चैप्टर है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से कन्फर्म है 100% कि क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो एक, चाहे दो, चाहे पांच मार्क्स के क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन उठ के आता ही आता है।